माननीय प्रधानमंत्री से गंगा जल उठवा करके आप लोग जाइए पूछ लीजिए कि अमेरिका में इनकी क्या दुर्गति हुई। वहाँ पे इनका भाषण का भी बहिष्कार लोगों ने पूरे दुनिया के लोगों ने कर दिया। कुर्सियाँ खाली थी, वो सीन नहीं दिखाई दिया। वो बैंड बाजे वाले से मुन्नी बाई जा करके पूछ रही हैं कि आप बुलाए गए हैं, आप आए हैं स्वागत में। कहा मैं हायर किया गया हूँ गुरु, नकिया इसे कटवा लिए हैं। हाँ, इसे देश की नाक कटवाए, और क्या, इतनी घनघोर बेइज्जती हुई है। आज देश का नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो है सड़क पे है, छात्र सड़क पे है, इस देश का किसान सड़क पे है, इस देश का श्रमिक सड़क पे है, और आप कह रहे हैं कि बड़ा रोजगार बांट दिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। मोदी जी किस तरह देख रहे हैं, मतलब भाजपा के सांसद की जो पताका में जो पिटाई हुई है, वायरल हो रहा वीडियो, मतलब उग्र हो गए क्या आप लोग? देखिए, जनता उग्र हो गई है, जनता के बर्ताव पे आप खड़े नहीं उतरेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो कोई दल हो, कोई नेता हो, जनता बकसने के मूड में नहीं है। ये देश जुमलेबाजी से नहीं चलता है, ये राजा बाबू बनने से नहीं चलता है। ये कहावत आपने सुना होगा, बिनय न मानत जलधि जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रेत। तो भाई, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का अमेरिका में जो हश्र हुआ उसको भी दुनिया ने देखा। स्वागत हुआ पत्रकार, आप पत्रकार का भी जो हरासमेंट और बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती हुई अंजना मोदी की, वो भी दुनिया ने देखा। इस देश की गोदी मीडिया, आप गलत कह रहे हैं, अंजना कश्यप नाम है उनका। अरे भाई, उन्होंने एक टीवी अपने टीवी चैनल शो में कहा कि अंजना मोदी। मैं गलती किसी से भी हो सकती है ना, अब हो सकती है तो मुझसे भी गलती हो गई, मान लीजिए। अच्छा, डंका बज रहा मोदी जी का, कहीं कोई डंका बज नहीं रहा है। देखिए, शुरुआत बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान से हुई, उसके बाद संगलाल गुप्ता को प्रतापगढ़ में लोगों ने जूतों से पीटा, लोगों ने कह रहे कांग्रेसियों ने पीटा। हाँ, समझ रहे हैं, जनता जनार्दन ने पीटा। उसके बाद अभी पता चला है एक विधायक को, भाजपा के विधायक को फिर कलर फोंका है, बजाया है। देखिए, अब जनता जो है ये लोहार और बढ़ई का भी काम करने लगी है भाजपाई नेताओं। माननीय राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश की जनता भाजपाई नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। तो शुरू हो गया हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश योगी जी कह रहे 350 पार इस बार हो रहे हैं पूर्ण। हाँ हाँ, आएगा तो योगी। आपको मैं बता दूं कि अब वो दिन भूल जाएं, अब दिव्य स्वप्न देखना बाबा जी भूल जाएं, 54-58 बटोरें, समझ रहे हैं। दंगा फसाद हुआ था, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और हिंदू मुसलमान आमने सामने हो गए थे यही दरियागंज में, और पंडित नेहरू यहाँ से अपना जीप स्वयं स्टार्ट करके वहाँ गए और कहा मुझे मारो। पंडित नेहरू बनने के लिए, और पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व बिरले पैदा होता है। कभी तो मोदी जी की तारीफ करिए, मतलब चले काहे काहे हम तारीफ करें भैया, हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे। हम झूठी कोई काम ऐसा बताइए ना कि जिसमें तारीफ किया जाए। तारीफ करने के लिए मोदी बना दिए। अरे विश्व गुरु, नकिया इसे कटवा लिए हैं। हाँ, इसे देश की नाक कटवाए, नाक कटवा लिए, और क्या, इतनी घनघोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान कहाँ पर था चढ़ा रहा है, अब क्या? अरे ये चाइना का डर के मारे नाम नहीं ले रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे इनका भाषण का भी बहिष्कार लोगों ने पूरे दुनिया के लोगों ने कर दिया। कुर्सियाँ खाली थी, वो सीन नहीं दिखाई दिया। वो बैंड बाजे वाले से मुन्नी बाई जा करके पूछ रही हैं
कि आप बुलाए गए हैं, आप आए हैं स्वागत में, कहा मैं हायर किया गया हूँ, हमारा यही काम है, पैसा दो हमसे काम लो। आप बाकी वहाँ के जो वहाँ की जनता ने जो स्वागत किया है वो काबिले तारीफ है। अरे विरोधी हर जगह है, सब लोग का विरोध करने वाले कुछ। अरे भाई हम कह रहे हैं भारत में इनके विरोधी हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, हमारी भाजपा से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो सच्चाई है मैं उसको बयां कर रहा हूँ। आप लोगों से अगर सुनने की कुवत आपके अंदर है तो सुनिए, और अन्यथा फिर इनको लाइए। इनको लाइए, इनको अगर लाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। बोल रहे 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मुख्यमंत्री के 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अरे एक ही व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड है, स्वर्गीय नहीं, इनका क्या नाम है जो यहाँ के मुख्यमंत्री से बंगाल के, ज्योति बसु, 34 साल वही रिकॉर्ड है। योगी जी तोड़ देंगे। अरे अब जिंदगी में सात जन्म लें, एक बार भाग्य से वो छीका टूट गया और इनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, नहीं तो गांव के प्रधान के काबिल नहीं है। जो किसी समय पार्लियामेंट में विधवा आलाप किए थे, सुरक्षा मांग रहे थे, विधवा आलाप किए थे। मैं आपको बता दूं कि विधवा आलाप किए थे। आप मुझसे बेहतर योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते हैं। चाचा मान लीजिए। अरे जो आदमी भयमुक्त समाज, कम से कम उत्तर प्रदेश में 20-25 हजार ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, साधु वहाँ सुरक्षित नहीं है, योगी राज में सब सुरक्षित है। अभी नरेंद्र गिरी जो हैं वो गैर ब्राह्मण साधु संत थे, लेकिन संत थे। अच्छा, उनको सुसाइड हुआ कि आत्महत्या है या हत्या है, अभी कहीं प्रमाणित नहीं हुआ। वहाँ का आईजी योगी जी का जो सह बिरादरी है वो जो CO वहीं रहा, SP वहीं रहा इलाहाबाद में घूम के, और SSP रहा, DIG रहा, अब IG भी है वहाँ का। अच्छा, उसके ऊपर भी आरोप है। तो बाबा जी जातिवाद की राजनीति छोड़ दें। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये विकास तो किए नहीं, ये विनाश पुरुष के नाम से मशहूर हो चुके हैं। क्या विकास नहीं किया? बोले शौचालय दिलवाए, आवास दिलवाए, 5-5 किलो राशन दिलवाए, अब क्या मुफ्त चाहिए? वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। वो जनता के टैक्स के पैसों का है, ये अपने बाप के घर से लोग थोड़ा दे रहे हैं। जनता टैक्स देती है, चाहे डीजल, पेट्रोल, दवा, किसी न किसी मार्फत जनता टैक्स देती है। आज देश का नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो है सड़क पे है, छात्र सड़क पे है, इस देश का किसान सड़क पे है, इस देश का श्रमिक सड़क पे है, और आप कह रहे हैं कि बड़ा रोजगार बांट दिए। माननीय प्रधानमंत्री से गंगा जल उठवा करके आप लोग जाइए पूछ लीजिए कि अमेरिका में इनकी क्या दुर्गति हुई है, क्या स्वागत हुआ है, देखे नहीं स्वागत। अगर अमेरिका में स्वागत किसी का हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी एयरपोर्ट पर जाकर के, प्लेन के अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिजीवी कौम, बुद्धिजीवी व्यक्ति, दूरदृष्टि रखने वाले, भारत के निर्माता, हम उनका जो है उनका स्वागत करने जा रहे हैं। 1956 में अपने देश में हो रहा है ना स्वागत मोदी जी का, विदेशी का छोड़िए ना। खबर ये, वाह वाह वाह, हारे विदेश नहीं, क्या गजब की विदेश नहीं थे आप लोगों की, और कितने आप लोग महान हैं, देश प्रेम है। अरे इतना देश प्रेम है, इतना बड़ा देश प्रेम है। मोदी जी के 10 काम बता दीजिए, 10 काम। मैं 10 कह रहा हूँ। तो 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया,
आवाज दे रहे हैं और क्या चाहिए, रोजगार दे रहे हैं, तीन काम हम पेट में। जिस दिन राशन नहीं होगा, दो दिन राशन नहीं मिलेगा तो बुखार उतर जाएगा आप लोगों का, समझ रहे हैं, बुखार उतर जाएगा। 5 किलो राशन तो मिल रहा है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाए, और जिस राम मंदिर की दुहाई दे रहे हैं 1988 में, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के सांसद हैं सुब्रमण्य स्वामी, उन्होंने कहा इस देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय पंडित राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, शिलान्यास किया और अपने चुनाव का प्रचार भी वहीं अयोध्या से शुरू किया। योगी जी कह रहे हैं ना किसी के अब्बा जान कहते थे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, हमने आया हमने मंदिर बनवाया, आप कैसी बात कर रहे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता। गोली मुलायम सिंह पे, मुलायम सिंह पे बोले थे ना कि अच्छा राज में नहीं बना, हम बनवाए तो हम इनको भाई जान कहते हैं। भाई जान, अच्छा हम इनको भाई जान कहते हैं योगी आदित्यनाथ को। अच्छा भाई भाई जान है। चाचा जान कौन है? हाँ चाचा जान देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा तो कहते अब्बा जान है। अब्बा जान है। उनके अब्बा जान होंगे, मेरे अब्बा जान नहीं हो सकते। अच्छा हाँ चाचा जान है। मेरे चाचा जान है, चाचा किसी को भी कहा जा सकता है। हाँ ये बताइए मोदी जी जैसे ही आए इतनी लंबी फ्लाइट लेकर के वो चले गए। अरे राजा बाबू मैंने कह दिया इंजीनियर भी बन करके सेम डे में पहुँच गए। मीडिया ये कह रही है कि इनकी थकान तो है ही नहीं। मीडिया ये कह रही थी मोदी जी जैसे ही आए लंबी फ्लाइट लेकर के अपनी लॉन्ग टूर करके दिल्ली तुरंत चले गए संसद भवन देखने के लिए, नई संसद भवन देखने के लिए, क्या तैयारी क्या चल रहा है। तो मीडिया कह रही कि इनकी डिक्शनरी में तो थकान शब्द ही नहीं है। देखिए ऐसा है, आपको एक चीज बता, भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था तो पंडित नेहरू वहाँ पे गए थे, सेम उनकी नकल। अरे नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, बिना सुरक्षा के चले गए। मैं कह रहा हूँ कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।